हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरोहन एजुकेशन। तो आज हमारे साथ हैं वीएसआर सुरेश सर, वेल रिनाउंड फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स के। काफ़ी स्टूडेंट्स सर को ऑलरेडी जानते हैं, बहुत लंबा एक टीचिंग एक्सपीरियंस सर का रहा है। हम लोग भी एक समय पे सर के स्टूडेंट रहे हैं, तो सर का टीचिंग स्टाइल ऑलरेडी हमें पता है कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं या किस तरह की क्लासेज होती हैं। कि जैसे उनके डायग्राम मुझे अभी भी ध्यान है, जिस तरह से वो बोर्ड पर फ्रेम करते थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस अब मैं सर का स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो अभी तैयारी में हैं, उनको वो एक्सपीरियंस सर का जानने का मौका मिले। उसी इनिशिएटिव के साथ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि सर अपना कोर्स लेकर आए, और उनके साथ सर का एसोसिएशन हुआ, बहुत थैंकफुल हूँ मैं इस बात के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक कोर्स इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेटवर्क और ईएमटी के लिए। ये डेमो टेस्ट कर लें सर, फिर कंटिन्यू करें। बिल्कुल यस श्योर, इट्स नाइस. ठीक चल रहा है ना सर? यम परफेक्ट परफेक्ट फ्लो इज गुड. जी यू कैन गिव मी सम टाइम. यू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल आंसर. हाँ इससे जी जी ज्यादा सर, मैं भी इस बात नहीं सर कर ऐसे ही सकता. रखेंगे सर। ये रिकॉर्डिंग सर कहाँ पर चेक करें? यस नाउ इट्स हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरोहन एजुकेशन। और आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अनाउंस करने में एक नया अनाउंसमेंट आरोहन एजुकेशन के लिए। वीएसआर सुरेश सर हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं आरोहन एजुकेशन पर, तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत रिनाउंड फैकल्टी हैं सर, बहुत रिच एक्सपीरियंस है उनका। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सर को ऑलरेडी जानते भी होंगे, और एक समय में सर का स्टूडेंट मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सर किस तरह से फ्री हैंड डायग्राम वगैरह भी किस तरह से बनाते थे। या जो बच्चों ने क्लास किया उनको पता होगा कि अगर सर ने कोई डायग्राम बनाया है और सर वहाँ पर नहीं हो और किसी थर्ड पर्सन को आप लाओ, तो वो कहेगा कि ये ड्रॉ कैसे हुआ है। मतलब वो यकीन नहीं करेगा कि हाथ से बनाया गया डायग्राम, इतनी एक्यूरेसी होती थी। तो मैं मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सर आरोहन एजुकेशन का हमारा जो इनिशिएटिव है, जो हमने एक एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन का एक मोटिव लेकर हमने शुरू किया है, तो सर ने बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। सर ने कहा कि मतलब इस पे हम भी कंट्रीब्यूट करें तो बच्चों के और बेनिफिट में होगा, और किस तरह से हम बच्चों को हेल्प कर पाएंगे, ज़्यादा इंटरेक्टिव कैसे हो पाएगा इसमें। वीएसआर सर स्टार्ट कर रहे हैं, एक रिकॉर्डेड फोल्डर सर का होगा जिसमें नेटवर्क और ईएमटी के लेक्चर, नेटवर्क और ईएमटी के लेक्चर सर को आपको सर के आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी ही ये हम लाइव करने वाले हैं, और इसमें वीकली 1 और 2 डे सर को जो भी टाइम परमिट करेगा, 1 और 2 डे लाइव वीकली वो सर के एंड से सर अवेलेबल रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज होंगे आप इकट्ठा करके वीक में 1 डे और 2 डे एज पर सर अवेलेबिलिटी आप वो अपने डाउट वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं साथ के साथ। तो ये दो सब्जेक्ट आपके नेटवर्क और ईएमटी कंप्लीट हो जाएंगे, रिकॉर्डेड मॉडल में वो अवेलेबल रहेगा। वीकली सर 1 और 2 डे आपके डाउट भी क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर आपका जैसी और डिमांड होगी सर से, अगर आप और रिक्वेस्ट करेंगे कि सर की तरफ से और भी कोई चीज़ें प्रोवाइड की जाए, तो अकॉर्डिंगली सर डिसाइड करके जरूर कुछ ना कुछ आपकी क्वेरीज के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। तो सर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? थैंक्स अ लॉट सौरव फॉर वेलकमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सौरव वॉज माई स्टूडेंट. काफी कम टाइम के लिए स्टूडेंट था लेकिन दोस्त बहुत टाइम से हैं. कभी कभी मेरे को गाइड भी किया उसने. इनफैक्ट काफी चीजों पे मेरे को गाइड किया. तो सौरव इज अ सिंबल ऑफ क्रेडिबिलिटी. मतलब सौरव भरोसा के लिए माना जाता है. तो मुझे लगा कि आई कैन एसोसिएट विद सौरव एंड आई शुड एसोसिएट बिकॉज आई हैव सीन हिज इनिशिएटिव्स. I've seen his boldness. तो हमने सोचा कि सौरभ के साथ एसोसिएट जरूर करेंगे एंड स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हम लोग मदद करेंगे. सो यस, वी आर लॉन्चिंग दैट रिकॉर्डिंग क्लासेस राइट नाउ एंड दीज क्लासेस विल बी फॉर नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, टू सब्जेक्ट्स. दो दे आर रिकॉर्डेड विल हैव ऑल द इंटरेक्शन. हम लोग लाइव भी जल्दी आएंगे, इंटरेक्शन भी जारी रखेंगे. वीकली कभी भी आपको डाउट्स होता है जैसे सौरभ ने बताया तो विल ऑलवेज बी देयर. सो बस एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं ना, कोई खास ओवरऑल ओवरव्यू या खास क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग या शुगर कोटिंग, वो सब हम लोग नहीं कर सकते हैं. हम लोग सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करते हैं. तो आप लोग भी उसी को देख के आइए बिकॉज नाउ एजुकेशन हैज बिकम एवरीडेज टास्क. कोई भी आके कुछ भी पढ़ा रहे हैं. करेक्ट ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत मुश्किल से सिर्फ कंटेंट पे फोकस करके आ रहे हैं. हम लोग वी आर जस्ट बिलीविंग आवर कंटेंट, नथिंग एल्स. नो फ्लेम पॉइंट वर्ड्स, नो शुगर कोटिंग. सो बिलीव अर स्टूडेंट्स विल ऑलवेज हेल्प यू एंड आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन सौरभ. सीन हिम फॉर द लास्ट 13 ईयर्स वी आर टूगेदर.
13 साल से हम लोग लगभग साथ में ही, हम लोग कहीं भी हम लोग गए तो हम दोनों साथ में थे। आई थिंक दिस इज अ थर्ड एसोसिएशन इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बट वी हैव बीन टुगेदर। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों 2-3 महीने के बीच में शायद वी मे बी नॉट टुगेदर, बट सो वी आर ऑलवेज देयर विथ यू स्टूडेंट्स। सॉरी दैट्स फ्रॉम माई साइड। इसमें सर मैं एक पॉइंट बच्चों को और ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने सभी कोर्सेज में इनको बोला है कि जो बच्चा मसाला या कंट्रोवर्सी के लिए सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल नहीं करे, वो सिंगल पैनी भी खर्च नहीं करे अगर उसको टाइम पास करना है। यहाँ पर सिर्फ वो बच्चे आए, आरोहण का मोटिव ही ये है, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, सिंसियर हैं, वाकई में उनका जो ड्रीम है उनको अचीव करना है, हम उसमें हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मतलब कोई बच्चा टाइम पास के लिए अपना सिंगल पैनी भी खर्च करे, उससे ज़्यादा हमें खराब लगता है अगर वो क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो सिंसियर कैंडिडेट है, अगर वो वन स्टेप चलेगा, हम उसके लिए टू स्टेप चलेंगे और हम कोशिश करेंगे जल्दी वो अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर ले। इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि वाकई में सिंसियर कैंडिडेट अभी भी है, जो एक अलग ही सेल्समैन की एक दुनिया बन चुकी, सेल्स मार्केटिंग की एक दुनिया बन चुकी है, हम उससे अलग कुछ करना चाहते हैं कि प्योर कंटेंट क्वालिटी, जैसे गोल्ड होता है 24 कैरेट, वैसे प्योर क्वालिटी कुछ उस तरह से जाए। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? एग्जैक्टली सर, दैट्स द मोटो आई टोल्ड यू। मतलब इंस्पाइट ऑफ सो मेनी कोचिंग्स, इंस्पाइट ऑफ सो मेनी यू नो एजुकेशनल चैनल्स, वाई आर पीपल नॉट गोइंग फॉर द राइट थिंग? मतलब बच्चे क्यों कम हो रहे, लिखने वाले बच्चे? क्योंकि सही कोचिंग नहीं है। देर इज नो प्रॉपर कोचिंग, करेक्ट, देर इज मोर कंफ्यूजन इन द नेम ऑफ कोचिंग। कोचिंग के नाम पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन अवॉइड करे और एक वी शुड बिकम अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी। वन स्टॉप डेस्टिनेशन मतलब वहां पे जाएंगे तो क्वालिटी ही मिलेगा, बस और कुछ नहीं। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग सौरभ। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जो ईएमटी और नेटवर्क के लिए बच्चे एसोसिएट होना चाहेंगे, तो ईएमटी और नेटवर्क में लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? कवरेज किस तरह से होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, सीक्वेंस किस तरह का होगा? नेटवर्क्स बीइंग अ वेरी इजी सब्जेक्ट, विल स्टार्ट विद द बेसिक्स और तुरंत हम लोग प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। मतलब नेटवर्क्स का फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स पे होगा, स्पेशली ऑन एसी एनालिसिस जो कि काफी टफ टॉपिक है, और ट्रांजिएंट्स। इनमें हमने एक ऐसे टेक्निक्स डेवलप किया, द लास्ट 2 ईयर्स आई बीन सिटिंग ऑन नेटवर्क्स, हमने ऐसे टेक्निक्स डेवलप किया कि आपको डेरिवेशन भी ना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे आपको आसानी से आ जाती है। सो द मेजर फोकस इन नेटवर्क्स विल बी ऑन ट्रांजिएंट्स, एसी एनालिसिस, रेजोनेंस, व्हिच आर द टफेस्ट टॉपिक्स। देन ऑफ कोर्स यू हैव जेड पैरामीटर्स एंड द बेसिक्स थ्योरम्स एंड ऑल विल बी देयर, जो कि Level 2 के हैं। टॉप मोस्ट लेवल तो यही टफनेस है। रही बात ईएमटी, उसमें तो लोग बोलते हैं कि हर चीज टफ है, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए उसमें आधा ही सिलेबस है, स्टैटिक फील्ड्स हैं, और ईसी के लिए वो स्टैटिक फील्ड्स है ही नहीं है। काफी बच्चे मतलब स्पेशली जैसे इन यूट्यूब के वो सिलेबस भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ईसी के लिए भी स्टैटिक फील्ड जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव स्टडी जरूरी है, ट्रांसमिशन लाइन जरूरी है, एंटेनास तक हर टॉपिक जरूरी है। इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ स्टैटिक फील्ड्स पढ़ने से काफी है। सो ऑब्वियसली दिस टू आर टू कॉन्ट्रास्टिंग टॉपिक्स। नेटवर्क्स एक बहुत ही आसानी से आसान सब्जेक्ट जिसमें थोड़ी बहुत एसी एनालिसिस टफ है, ईएमटी जो कि एक टफ सब्जेक्ट है। सो वी आर टेकिंग बोथ पैरेलली एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सर इसका जो ओरिएंटेशन होगा, गेट ईएससी दोनों को कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से? सौरव, इफ यू टीच गेट ईसी फॉर गेट ईसी और इलेक्ट्रिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ईएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो जाएंगे। दैट इज द वे वी कवर इट। हम कभी ये नहीं बोलते कि भाई ये सिर्फ गेट में काम आएगा। हमारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है कि वो गेट भी निकाल लेगा, ईएससी भी मेंस तक कवर हो जाएगा। सेम फॉर नेटवर्क्स ऑल्सो। हम लोग ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली करा दिया और बोला कि भाई गेट के लिए कर लो, ईएससी के लिए बाद में कहीं और देख लो। एक बार पढ़ ली तो गेट हो या ईएससी हो, इट शुड बी सफिशियंट। हाँ, सिविल सर्विस के लेवल तक जाने के लिए शायद दैट इज द थर्ड लेवल, जी थोड़ी और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जी ईएससी और गेट के लिए तो लगभग हम लोग कॉन्सेप्चुअली एक ही अप्रोच से लेके कराते हैं। सो इट शुड बी यूजफुल फॉर बोथ। सर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो नेटवर्क में अराउंड कितने आवर्स का और ईएमटी कितने आवर्स का होगा अराउंड? आजकल का ट्रेंड ये है कि कुछ भी पढ़ा दो, कंटेंट बढ़ा दो, और ये बोलो कि हमारे पास 700 वीडियो हैं, 800 वीडियो हैं, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट जाएंगे हम लोग। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीटली विल कवर इट इन 40 to 50 आवर्स ऑफ नेटवर्क्स, एंड ईएमटी फॉर ईसी विल बी अराउंड 60 to 70 आवर्स, फॉर इलेक्ट्रिकल 25 to 30 आवर्स ऑफ ईएमटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए 25 से 30 घंटे के बीच में हो जाएगा, नेटवर्क दोनों के लिए 40 से 50 के बीच में,
और थोड़ी ईएमटी खींचेगा 70 घंटे या 60-65 के तक जाएगा, मतलब प्लस और माइनस, बिकॉज इट्स रिकॉर्डेड, वो अपने हाथ में है। और डाउट अब ये आएगा कि सर इतने घंटे में सब कुछ कवर होगा क्या, एवरी मॉडल विल बी कवर्ड, यू गेट इट फ्रॉम 2027 पेपर इन 2028 ऑल्सो दिस रिकॉर्डिंग, यू विल फाइंड दैट आंसर फॉर दैट। मतलब कोई भी साल कभी भी उठा के ले आइए, इसमें वो मॉडल रहेगा। दैट इज द वे वी आर टॉट, पिछले 13 साल से आपने देखा, जी हमारे 2015 का नोट्स उठाइए तो उसमें 2020 का क्वेश्चन रहेगा ना। सो द अप्रोच इज कंप्लीट एंड कॉम्प्रोहेंसिव, शॉर्ट एंड स्वीट। कंप्लीट भी है, कॉम्प्रोहेंसिव भी है, शॉर्ट और स्वीट भी बनाए रखे। तो स्टूडेंट्स विद इन 1 or 2 डे आपको कोर्स की डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स लिंक के साथ, वहां से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे कि सर ने बताया वीकली सर अवेलेबल भी रहेंगे इंटरेक्शन के लिए, उसके द्वारा भी लगातार आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सर। बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।